दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए वेरियस टॉपिक्स को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेरियस टॉपिक्स। सो दोस्तों चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या है खास आज के हमारे टेक न्यूज सेक्शन में। सबसे पहली जो न्यूज आ रही है वो नासा की तरफ से आ रही है। जी हाँ, नासा का जो रीसप्लाई का जो रॉकेट है वो लॉन्च करने जा रहा है, जो कि जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। उसको लॉन्च करते से 10 मिनट पहले ही वो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करेगा 360 डिग्री में। तो अगर आपको वो लॉन्चिंग देखनी है तो आप यूट्यूब पे जाके नासा का जो ऑफिशियल चैनल है वहां पे जाके आप लाइव 360 व्यू जो है उसका रॉकेट लॉन्च का देख सकते हैं। अगला जो अपडेट आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है एसर की तरफ से। अगर आप गेम्स खेलना पसंद करते हैं और आपको 3D गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो एसर ने अभी कुछ लैपटॉप और कुछ डेस्कटॉप्स लॉन्च किए हैं, जिसके जो स्पेशली उसने बनाए हैं, डिजाइन किए हैं 3D गेम्स के लिए। जी हाँ, एसर ने एसर एस्पायर VX15 जो है वो एक सीरीज पूरी लॉन्च करी है, जिसमें जिसकी कुछ स्टार्टिंग है 88,000 रुपीज से ऑनवर्ड्स। अगर दूसरे की अगर बात करूँ लैपटॉप्स में, अगर उसकी मैं बात करूँ तो उसने प्रीडेटर सीरीज लॉन्च करी है, जिसमें प्रीडेटर 15 और 17 का उसने लॉन्चिंग किया है, जिसकी कॉस्ट करीब है 1,60,000 रुपये ऑनवर्ड्स। और अगर मैं डेस्कटॉप की बात करूं तो डेस्कटॉप में उसने G1 का डेस्कटॉप लॉन्च किया है, जजिसकी कीमत उसने कुछ रखी है 1,20,000 ऑनवर्ड्स। सो ये थी एसर की तरफ से। तो अगर आप गेम्स देखना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं और विदाउट स्टक खेलना चाहते हो तो आप ये एसर के नए जो प्रोडक्ट्स हैं इनका इस्तेमाल करके, इनको यूज करके खरीद के देख सकते हैं। अगली जो अपडेट आ रही है दोस्तों कि वो है, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, अगर उन पे आप शॉपिंग्स वगैरह करते हो और आप फेड अप हो जाते हो, आपको नहीं चाहते हो कि मैं उसी वक्त तो आपको जो है अपना कार्ड नंबर डालूं, उसमें फिर पेमेंट वेमेंट करके क्लिक क्लिक करके मैं चेकआउट करूं, तो वहां पे अभी सिंपल क्लिक इजी ई पे लेटर का एक नया जो पेमेंट गेटवे है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसके चलते आप वन क्लिक में चेकआउट हो जाओगे और चेकआउट होने के बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो आप तक डिलीवर हो जाएगा और आपके पास 14 दिन का टाइम होगा उस पेमेंट को करने के लिए। तो अगर आप अभी भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो अभी आप शॉपिंग कर सकते हैं और आपके पास 14 दिन का समय मिल जाता है, जिसके चलते आप 14 दिन के अंदर कभी भी आपके कन्वीनियंट के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। अगली जो अपडेट आ रही है दोस्तों वो है हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं अपार्ट फ्रॉम जियो, तो उन्होंने जितने भी रोमिंग जो चार्जेस थे वो 1 अप्रैल से, चाहे वो आइडिया है, चाहे वो वोडाफोन है, चाहे वो एयरसेल है या कोई भी ऑपरेटर है, उन्होंने सबने जो रोमिंग चार्जेस थे, चाहे वो प्रीपेड कस्टमर है चाहे पोस्टपेड कस्टमर है, उन सबके रोमिंग चार्ज वेव ऑफ कर दिए हैं। तो इस महीने से अगर आप पोस्टपेड कस्टमर हैं तो आपका बिल जो है रोमिंग चार्जेस ऑटोमेटिकली माइनस होकर आएगा। तो ये एक और नई उन्होंने ऑफर डाली है तो जियो को चैलेंज करने के लिए, ताकि अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको रिटेन कर सके। अगली जो अपडेट आ रही है दोस्तों वो है गूगल की तरफ से। जी हाँ, गूगल ने अपने सर्च के अंदर कुछ अलग चेंजेस किए हैं, जिसके अगर आप फैशन से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हैं तो उसको आप गूगल ने जो नाम दिया है, एक नई कैटेगरी बनाई है उसके अंदर, उसको इम्प्लीमेंट किया है, जिसका नाम दिया उसने स्टाइल आइडिया। स्टाइल आइडियाज में ये होगा कि अगर आप फैशन से रिलेटेड कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो गूगल जो है आपको जो आपके सर्च आपके कीवर्ड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग सर्च तो करके देगा ही देगा, लेकिन लेटेस्ट और क्या फैशन अवेलेबल है वो इमेजेस भी आपको साइट पे जरूर दिखाएगा। तो अगर आप उससे इंटरेस्टेड हो तो आप उस पर भी क्लिक करके आगे फैशन के जो भी आपको व्यूज फोटोज देखने हैं या जो भी है आपका यूज आप कर सकते हैं। अगली जो अपडेट आ रही है दोस्तों वो है फेसबुक की तरफ से। जी हाँ, फ्रांस के अंदर फेसबुक ने जो अभी कल ही चालू किया था कि जितने भी फेक अकाउंट होंगे उनको वो डीएक्टिवेट करने के लिए जो कल से उसने मुहिम चालू करी थी, उसमें फ्रांस के अंदर अब तक जो रिपोर्ट आई है कि करीब
30,000 जो है फेक अकाउंट डिसेबल कर दिए गए हैं। सो दोस्तों आज के टेक न्यूज में इतना ही, और अगर आप मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।